ये है सेल्फ फीडर प्लांटर जो अपने आप पानी लेता है, ठीक है। और बच्चे बिल्कुल भी अकेले बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं नवीन कुमार आपका आर्ट टीचर। चलिए आज हम बनाते हैं एक प्लांटर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो लेते हैं हम एक खाली बॉटल, एसीटोन या फिर थिनर, एक मोटा थ्रेड, कैंची, माचिस और एक पानी की बाल्टी। बाल्टी में पानी होना चाहिए, आधी बाल्टी पानी होना चाहिए। अब उस बॉटल के अराउंड हम इसमें धागा लपेट देंगे, मोटा थ्रेड जो है उसे काट के लगा देंगे और एसीटोन लगेंगे उसके ऊपर हम डाल देंगे। एसीटोन पूरा अच्छे से भीग जाना चाहिए, फिर इसको रख करके उसे एक माचिस, बहुत ध्यान से माचिस से आग लगा रहे। ये बच्चे अकेले बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पेरेंट्स की गाइडेंस में ही करेंगे। और इसे जब ये गर्म हो जाए इसके बाद पानी में डाल दें, इससे ये अपने आप टूट जाएगा थोड़ी देर में। अगर ये बॉटल लंबी है तो इसको नीचे से भी आप इसी तरह से काट सकते हैं। फिर इस पर एसीटोन डाला या फिर थिनर डाल करके आप इसे फिर इसमें माचिस से आग जला करके फिर से गर्म करके पानी में डाल सकते हैं। ये आप प्लास्टिक बॉटल से भी कर सकते हैं, लेकिन जलाना नहीं, उसे कटिंग करना है। प्लास्टिक बॉटल को कटिंग करना है, जलाना नहीं है, वो इजी होगा आपके लिए। ये इजीली कट हो गई, चलेगा। देखो अब ये पूरा इसके अंदर फिट हो जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा घिस देंगे हम, ठीक है, ऊपर से ताकि हाथ ना कटे। आप इसे सैंड पेपर भी यूज कर सकते हैं इसे घिसने के लिए। मेरे पास तो मशीनें हैं तो मैं इसे यूज कर रहा हूँ। अच्छे से इसको शार्पनेस से इसकी खत्म कर देंगे ताकि हाथ ना कटे। आप प्लास्टिक बॉटल्स भी यूज कर सकते हैं इजिली, पेपर कैंची से कट हो जाएगा, सीजर से आप कट करके आप बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल शार्पनेस इसकी खत्म कर देंगे। और उसके जो ढक्कन है इसके कैप में इस मोटे थ्रेड को बहुत इसके अंदर डालेंगे, लेकिन इसमें जो होल करना बहुत ध्यान से करना ताकि हाथ में ना लगे। इसे गर्म करके, पेचकस को गर्म करके, स्क्रू ड्राइवर को गर्म करके फिर आप इसमें इजीली आप कर सकते हैं। अब इसमें मोटे थ्रेड जो है आप इसमें डाल देंगे, जैसे कि दिया बाती जैसे बनती है वैसे आप इसे लगा देंगे और इसके अंदर इसको लगा देंगे पानी। इसके अंदर आप अपने आप धीरे धीरे अपने आप खींच लेगा वो पानी। आप इसे इसके लेबल को आप हटाने के लिए गर्म कर सकते हैं। ये बॉटल को तोड़ काटने से पहले या तोड़ने से पहले आप इसे पहले आप गैस पे गर्म करके आप इसका लेबल को हटा सकते हैं ताकि वो इजीली हट जाए। आप गैस पे गर्म कर लीजिएगा पहले, फिर उसके बाद आराम से हट जाता है ये। इसे एसीटोन से साफ करें, मेरे पास तो मशीन है मैं ऐसे कर सकता हूँ, बहुत इजीली ये। इसके बाद एसीटोन लेंगे और एसीटोन से इसे साफ कर देंगे तो पूरा एकदम साफ हो जाएगा। थिनर से भी साफ कर सकते हैं आप, इसे अच्छे साफ कर देंगे। प्लास्टिक बॉटल भी यूज कर सकते हैं। अच्छा अब इसमें मिट्टी लेंगे, अब इसके अंदर जो हमने कैप जिसमें लगाया था हमने उसके ऊपर वाले पार्ट में, इसमें प्लांट हम लगा करके इसे फिट कर देंगे और इसको बिल्कुल अंदर रख करके अच्छे से मिट्टी को भर देंगे। फिर इसको भरने के बाद इसमें थोड़ा सा ग्रास व्रास थोड़ा सा और से डेकोरेट करके अच्छे से मिट्टी लगाने के बाद इसमें हम पानी भी डाल देंगे। और पानी इसके नीचे जो पानी जो है इसके नीचे वाले पार्ट में भी हम पानी भर देंगे ताकि वो पानी अपने आप धीरे धीरे, ये हफ्तों तक चल जाता है पानी, इसमें बार बार पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखिए ये काफ़ी हफ्तों से मेरे पास रखा हुआ है। ओके थैंक यू, बाय बाय।